आज हम करेंगे सेशन टू, जो टॉपिक है आपका इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। एक इमेज को कैसे इंसर्ट करोगे आप अपनी फाइल में और उसको यूज कैसे करोगे, ठीक है। अब इसको करने का स्टेप्स देखिए कि आपको अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है अपनी फाइल में तो आप कैसे ऐड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप टूल बार में, आपकी यहाँ पर टूल बार में इंसर्ट इमेज का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हुई है मेरे पास, आप इनमें से कोई भी पिक्चर ऐड कर लीजिए। मुझे फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर ऐड करनी एंड ओपन, ये पिक्चर आपकी फाइल में एड हो चुकी है। अब इस साइज को आपने इंसर्ट तो कर लिया किसी फाइल को, अब इसका साइज छोटा बड़ा कैसे करेंगे, रिसाइज कैसे करेंगे पिक्चर। तो उसका एक इजी वे है कि आप कॉर्नर पे जाइए, एरो चेंज हुआ, एंड जब आप लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हैं तो ये होल पिक्चर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर एक टूल बार अपने आप आ गया, जैसे आप पिक्चर सिलेक्ट की हुई आपने तो ये टूल बार आपका ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, ठीक है। ये आप इसकी कमांड्स देखिए, फर्स्ट है आपका, ये आपका रैप से रिलेटेड है। रैपिंग तब होगा जब आपने कुछ टेक्स्ट राइट किया होगा, अभी हमारे पिक्चर में कोई भी टेक्स्ट राइट नहीं है, तो अब हम पहले कुछ राइट कर लेते हैं। टेक्स्ट क्लिक किया मैंने, अब क्या राइट करना चाहते हो, मैंने एक पैराग्राफ राइट करना है तो मैंने वो पैराग्राफ राइट कर लिया। डीटी और F3 कीजिए ये पैराग्राफ राइट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है। नाउ अब आप इस पिक्चर को पैराग्राफ में एडजस्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शंस है, रैप ऑफ देखिए, पेज रैप, ऑप्शनल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट एंड नो रैप, रैप थ्रू आउट मीन्स इसके पीछे भी आपका टेक्स्ट राइट कर रहा है। ये तो मैक्सिमम यूज नहीं होता, मैक्सिमम जो हमारा यूज होता है दिस वन होता है पेज रैप, ठीक है। ये आपने पहले भी किया हुआ है, एमएस वर्ड में आपका टॉपिक एज इट इज था रैपिंग टेक्स्ट, उसमें भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, कितना क्लियर हुआ बेटा? यस सर। नेक्स्ट है आपका कि अलाइन, आप इसको अलाइन करना चाहते हो, सेंटर में लेके जाना चाहते हो, लेफ्ट में लेके आना चाहते हो, राइट साइड एंड टॉप बॉटम, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यही चीज आप सेल्फ भी अलाइन कर सकते हो कि आपने किया क्लिक एंड इसको मूव कर दीजिए जहां पर आपको अलाइन करना। ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट है आपके पास ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऑप्शंस तब काम करेगा बेटा आपका जब आपके पास मल्टीपल इमेजेस होंगे। अभी आपके पास सिर्फ एक पिक्चर है, अगर आपके पास एक से ज्यादा पिक्चर हो, एक और पिक्चर ऐड कर लेते हैं, वही पिक्चर या तो फिर आप टूल बार से ऐड कर सकते हो या फिर आप कहां से ऐड कर सकते हो, इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट इमेज। अब मैंने सेकंड पिक्चर ऐड की, ओपन, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था पिक्चर को, इसलिए उसने क्या किया उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। आप पिक्चर को सिलेक्ट मत करें, बाहर क्लिक करें और तब इंसर्ट करें इमेज। ये देखिए आपकी ये पिक्चर, एक तो ये है, इसको ड्रैग करके किसी भी कॉर्नर से कर दीजिए, एंड एक पिक्चर आपकी ये है, सेकंड दोनों पिक्चर आ गई। अब आप चाहते हो इन दोनों पिक्चर्स को एडजस्ट करना, ठीक है। अब ये ऑप्शंस आपके वर्क करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, अब ये पिक्चर जो सिलेक्टेड पिक्चर आपकी फ्रंट में है इसको बैक में सेंड करना है तो बैक वन, फ्रंट में लेके आनी है ब्रिंग टू फ्रंट। अगर इसी तरह से मल्टीपल इमेजेस होंगी आपके पास, आपके पास सिर्फ टू ही हैं, अगर आपके पास 4, 5, 6 इतनी सारी इमेजेस होंगी जिसपे आप क्लिक करोगे, आप करोगे फॉरवर्ड वन, बिल्कुल फॉरवर्ड में ले आएगा, एंड बैक वन मीन्स सबसे लास्ट में ले जाएगा, ओके। ब्रिंग टू इससे क्या है कि वन स्टेप आगे आएगा और इसमें बिल्कुल पीछे और बिल्कुल आगे मूव हो जाएंगे पिक्चर्स। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर्स, आप पिक्चर को बॉर्डर देना चाहते हो, देखिए
साइड बॉर्डर आया आपका, और कोई बॉर्डर अप्लाई करवाना है, ऑल बॉर्डर्स देना है तो चारों तरफ का बॉर्डर अप्लाई करवा दीजिए। बॉर्डर किस स्टाइल में हो आपका, डबल लाइंस में हो, एंड बॉर्डर कलर क्या हो, बॉर्डर कलर चूज कर लीजिए। फिल कलर बॉर्डर के, ये आपको पता है कब शो होगा, फिल कलर मैंने हल्का सा, यहाँ तो हल्का सा शो करता है, जब हम रोटेट करेंगे पिक्चर को तब हमें शो होगा ये। नेक्स्ट आपका फिल्टर, इनमें देखिए कन्वर्ट, हल्का माइनर माइनर चेंजेस होगा ये आपका, स्मूथ, इसको कितना स्मूथ शार्प करना चाहते हैं, मोबाइल्स वाली फीचर से मिटाइए। देखिए किस कलर का था और हमने कैसा कर दिया इसको शार्पन, इसके कलर और शार्प करना चाहते हो यहाँ से आ गया ऑप्शन टूल बार, यहाँ से चेंज कर सकते हो। सोलराइजेशन, अलाइन, पोस्चराइज, देखिए कलर्स पोस्चर के कितने डार्क लाइट करने हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉप आर्ट स्केच बना दिया इसने, जो शो ही नहीं हो रहा, हमने कलर ज्यादा कर दिए ना, रिलीफ। यहाँ से ही टॉपिक्स आप माइनर माइनर चेंजेस इनको क्लिक करके आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल सेट कर रही हूँ, मुझे जैसी पिक्चर थी वैसे ही पिक्चर चाहिए अपनी। नेक्स्ट है डिफॉल्ट ग्रे स्केल, पिक्चर चेंज हुई है देखा आपने, ग्रे कलर में हो गई है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड वाटरमार्क। ये वाटरमार्क कब यूज करते हैं, देखा आपने कहीं पे वाटरमार्क, कोई ऑफिशियल फाइल्स होती है उनके पीछे होता है, होता है ना, लिखा होता है ऑफिशियल फाइल के पीछे, इस तरह से होता है वाटरमार्क, यहाँ से ऐड कर सकते हो और डिफॉल्ट कर दोगे तो आपके डिफॉल्ट कलर आ जाएंगे। क्रॉप, इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ इस पिक्चर में जो नीचे के वर्ड्स हैं यहाँ गुरु मंत्र तक ही आए, ठीक है, तो क्रॉप कर सकते हो, ये आपके पास पहले भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, एंड लीव कर दीजिए, ये पिक्चर आपकी क्रॉप होगी। एंड आप इस पिक्चर को इन्वर्ट करना चाहते हो, फ्लिप वर्टिकली, ये देखिए हॉरिजॉन्टली मूव करना है। नेक्स्ट आपका रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, रोटेट 90 डिग्री राइट, रोटेट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आपका रोटेट, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एरोस चेंज हो गए, अब इसको आप मूव कीजिए, पहले क्लिक, अब देखिए सर्कल चेंज हुआ है, अब डॉट्स चेंज हो जाती हैं। अब देखिए मैंने बोला था आपको ये बॉर्डर में फिल कलर शो कर रहे हैं हम, हमें बाद में दिखाई देगा, ये तभी शो होगा, मैंने ग्रीन कलर शो किया था यहाँ से। अगर आप चाहते हो कलर और कोई शो करना, ठीक है, ये ओनली तभी शो होगा। अब इस पिक्चर के पीछे अप्लाई करना चाहते हो आप, रोटेट पे क्लिक करोगे, ये डॉट्स आपकी चेंज हुई सर्कल में, जब यहाँ से एरो चेंज होगा उस टाइम आप इसे रोटेट कीजिए। अब इसमें मैंने कलर फिल नहीं किया हुआ इसलिए ऐसा शो कर रहा है, ना ही बॉर्डर कलर दिया हुआ, हम यहाँ से पहले बॉर्डर देंगे इसका एंड देन फिल कलर दे दो आप इसको। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। नेक्स्ट आपका ट्रांसपेरेंसी, किसी आप पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, यहाँ से आप पॉइंट्स देकर इस पिक्चर को ट्रांसपेरेंट कितना करना, देखो डार्क आपकी इसकी शेड डल होने लगी, ट्रांसपेरेंट हो रही है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर एडजस्ट करना है तो इसके कलर्स वगैरह कुछ लाइट करके एडजस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कलर, कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी आपको कौन सा कलर डार्क लाइट करना है यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये टूल बार आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये आपका पिक्चर से रिलेटेड टूल बार था। आपने क्या किया, हाउ टू अलाइन अ पिक्चर, पहले आप इंसर्ट कैसे करोगे, पिक्चर को एडजस्ट किया, सेकंड रीसाइज कैसे किया पिक्चर को, और अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो पिक्चर को तो कॉपी पेस्ट का मेथड क्या आपके पास, कंट्रोल सी एंड वेयर यू वांट टू पेस्ट, आप कर्सर ले जाइए एंड कंट्रोल वी, पिक्चर को कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट करने का मेथड आपको पता है, ठीक है।
ये तो था कि आपने पिक्चर के ऊपर अप्लाई किया। आप चाहते हो कि कोई फ्लो चार्ट बनाना, आप फ्लो चार्ट कैसे ऐड कर सकते हो? अब मुझे कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? इंसर्ट के अंदर, सॉरी व्यू टूल बार में आपका टूल बार्स, कौन सा टूल बार देखना है? ड्राइंग। मेरा ड्राइंग टूल बार ऑन है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, मैंने अभी ऑन किया, इस पे क्लिक किया तो ये आपका नीचे ड्राइंग टूल बार शो करेगा। ये टूल बार आपको पहले भी आता है, एमएस वर्ड में भी आप फैमिलियर हो इस टूल बार से। अगर आपको कोई लाइन ऐड करनी है या फिर आपको कोई एरो लगानी है, एरो का शेप चेंज करनी है, बोथ साइडेड एरो चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ से एरो का ब्लॉक थिकनेस चेंज कर सकते हो, इन एरो का कलर्स वगैरह चेंज करना है, देखिए एरो स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो कि एरो ऐसा होना चाहिए आपको। यहाँ से मैंने इसको चूज किया, ये जो एरो हमने अप्लाई किया हुआ है इसी के ऊपर हम चेंज करते हैं। अब इस एरो को सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट का बटन लेंगे एंड क्लिक हियर। अगेन एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें देखिए अगर आपको लाइन के थिकनेस स्टाइल चेंज करना है, लाइन का कलर चेंज करना है, लाइन कलर फिल कलर चेंज करना है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। रोटेट करना है इसे, सर्कल चेंज होगा, ठीक है, ये ऑप्शंस बैक सेंड बैक अलाइन लेफ्ट वही आपके सारे ऑप्शन सेम यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे आपको कर्व एंड पॉलीगन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जब तक आप वर्क करना चाहते हो इनके साथ, कोई कर्व लाइन ड्रॉ करनी है या कोई फ्री हैंड शेप बनाना चाहते हो तो आप यूज करोगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल राउंडेड, ये सारी शेप्स आपके पास अवेलेबल है। स्माइली, कोई शेप्स वगैरह ऐड करना चाहते हो इनके साइड एरो पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ये सारी शेप्स आपको पता है, इनमें कलर वगैरह चेंज करने हैं, यहाँ से आप क्लिक कीजिए एंड कलर चेंज कर दीजिए। कॉलआउट्स, आपको अगर लिखने के लिए इस तरह से राइट करने के लिए कुछ चाहिए तब आप कॉलआउट्स ड्रॉ करते हो। एंड इसके अंदर टेक्स्ट राइट करना है किसी पिक्चर के अंदर तो इंसर्ट टेक्स्ट, आप देखिए इसके अंदर टेक्स्ट राइट करना चाहते हो, ये लीजिए। इन चीजों से बेटा आप फैमिलियर हो बिल्कुल, आपने पहले भी ये चीजें एज इट इज नाइन्थ क्लास में या फिर इससे बिफोर क्लास में आपने की हुई है, थी लर्न की हुई। नेक्स्ट आपके पास फॉन्ट वर्क, जैसे कि एमएस वर्ड आर्ट होता था एमएस वर्ड में, सेम वही टॉपिक आपका फॉन्ट वर्क, आप क्लिक कीजिए और ओके, ये आपका फॉन्ट ऐड हो जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है आपके पास ये ड्राइंग टूल बार कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको इस सेशन में आपका पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे, पिक्चर को चेंजेस मॉडिफाई कैसे करेंगे, मींस उसमें कलर वगैरह कैसे चेंज होंगे, एक पिक्चर को क्रॉप कैसे किया जाएगा, क्रॉप टूल का कैसे यूज होगा, रिसाइज कैसे करेंगे पिक्चर को, कोई पिक्चर डिलीट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पिक्चर डिलीट करनी है तो आप कैसे डिलीट करोगे, ऐसे क्लिक करके एंड डेल बटन पे क्लिक कर दोगे डिलीट करने के लिए पिक्चर को। एंड उसकी प्रॉपर्टीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, मान लो कोई आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, इसमें जब भी आप राइट क्लिक करते हो ये जो ऑप्शन ओपन हो रहे हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज में भी शो करता है। अब जब राइट क्लिक करते हो तो आपको साथ के साथ इसका शो कर देता है राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज ऑप्शन, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज में कैसे शो करोगे इसे, इसके कलर्स वगैरह चेंज करना, लाइंस विड्थ चेंज करना, ये सब बेटा सेशन टू में कंप्लीट है। अब आपका आपको एक क्लियर तो हो गया होगा सेशन टू कि एक पिक्चर कैसे इंसर्ट होगी और पिक्चर में आप वर्क कैसे करोगे, अगर आपको पिक्चर करना है ऐड करनी है तो कोई इमेज ऐड करनी है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? यस सर, यस
यस मैम।